काशी और हरिद्वार की तर्ज पर जिले के राप्ती तट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर मंगलवार को भव्य गंगा राप्ती महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, स्थानीय पार्षद संजय श्रीवास्तव सहित अन्य नागरिक और श्रद्धालु मौजूद रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर राजघाट स्थित नवनिर्मित गोरक्षनाथ घाट पर प्रत्येक मंगलवार को राप्ती आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को विधिवत पूजन पाठ कराने के बाद गंगा राप्ती मैया की आरती किया गया। आरती देखने के लिए घाट पर पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा था। सभी ने भक्ति भाव से मां राप्ती की आरती उतारी और दीप उत्सव भी किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरती में शामिल श्रद्धालुओं, आयोजक पार्षद संजय श्रीवास्तव व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, देवी बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के, और बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ आकर के मेरा हरदम, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं हमेशा यहाँ पे आऊँगी। मैं मोहद्दीपुर से आई हूँ और यहाँ पे राप्ती आरती में मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ शामिल होकर के। आराधना गुप्ता, राप्ती आरती में शामिल होकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। मैं यहाँ की मंत्री हूँ, यहाँ पे हम लोग सारी व्यवस्था देखते हैं, प्रसाद का भी करते, वितरण करते हैं, भोग लगवाते हैं हम लोग, पूरा बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ है। चौथा मंगलवार है, बहुत ही बढ़िया, आज से डेली हो रहा है, हर मंगलवार को। जीतू जी भी आए हुए थे और
इन्हीं की आज की पूजा आज की आरती चाहेंगे आरती के बारे में था कुछ कहना चाहेंगे आरती के बारे में इस घाट की तरफ से हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं। हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है और ऐसे हमें उत्साह होता रहेगा यहाँ पर आरती आज आपकी आरती में हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमको जान ये हमको बहुत खुशी की बात है कि इतने दिन से हम लोग आते आते चले आ रहे हैं और यहाँ के जनता यहाँ बहुत प्रभावित हो गई है और हमेशा इसी तरह से बना रहे। संजय श्रीवास्तव पार्षद यहाँ हासूपुर के और इस समिति गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति जो बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं जी। आज जो है चौथा मंगलवार है, हम लोग मंगलवार को प्रत्येक मंगलवार को इस गुरु गोरक्षनाथ घाट पे आरती शुरू करने का बीड़ा उठाया है जो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। दिन पर दिन यहाँ आरती करने वालों श्रद्धांजलियों की भारी भीड़ उमड़ के आ रही है और इसी तरह से चलता रहा तो आरती ये हमेशा चलता रहेगा और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हफ्ता में दो दिन या फिर लगातार इस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस समय हर मंगलवार को आरती कर रहे हैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता गोरखपुर की समस्त जनता से आग्रह करते हैं कि मंगलवार को आधे घंटे का समय निकाल करके इस राप्ती घाट पे गुरु गोरक्षनाथ घाट पे जरूर पहुँचें, यहाँ का आरती का आनंद लें, पुण्य का भागी बने, अपने आरती भी करें पुण्य का भागी बने। प्राप्ति आरती में शामिल हुए कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? कि आरती में सम्मिलित होने ये तो अच्छा ही लगा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घाट ये बन गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और इसकी सुंदरता भी बढ़ गई है और आरती की जो शुरुआत हुई गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति के नाम से प्रत्येक मंगलवार को जो आरती का आयोजन कर करके किसी पूजा कर रही है इससे लोगों में जागरूकता भी आ रही है और धार्मिक भाव